नमस्कार, दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ सोनिया डोगरा। बात की जाए दो दिन पहले कश्मीर में हुई टारगेट किलिंग के दौरान जिसमें आतंकवादियों द्वारा जिस शख्स का नाम है संजय शर्मा को गोली मारकर उसको मौत के घाट पहुंचा दिया गया। वहीं आपको बताते चलें कि आज हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी मिली है जिन आतंकवादियों ने संजय शर्मा नाम के शख्स को गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, वहीं पे जम्मू कश्मीर की पुलिस की बात करें तो बड़ी कामयाबी मिली है। उन आतंकवादियों को कहीं ना कहीं मौत के घाट उतार दिया गया है। संजय शर्मा की बात करें तो पुलवामा का रहने वाला था। वहीं पे बताया जा रहा है कि ये एक बैंक में गार्ड का काम करता था। वहीं पे एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, उसके तीन बच्चे भी है। तो वहीं पे आपको बताते चले कल की बात करें तो महबूबा मुफ्ती उनके परिवारजनों के पास पहुंचे और दुख सांझे के लिए बात की। वहीं पे परिवारजनों का कहना है कि हम गरीब फैमिली है, हमारे बच्चों का कौन देखरेख करेगा, संजय शर्मा के ऊपर ही सारा घर चलता था। वहीं पे आपको बताते चले कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती की बात करें तो उन्होंने भी कहा कि एलजी साहब तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहीं ना कहीं कश्मीर में जो ये टारगेट किलिंग जो है वो थमने का नाम भी नहीं ले रही। वहीं पे आपको बताते चले कि जो धरने प्रदर्शन पे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीएम एम्प्लॉय पैकेज की बात करें या कश्मीर पंडित की बात करें, रिजर्व कैटेगरी टीचर की बात करें तो वो भी अपनी मांगों को लेके बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं उनको भी ये कहा जा रहा है कि आप लोग कश्मीर में जाइएगा, अपनी नौकरी रिज्वाइन कीजिएगा। तो उनका साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जिस तरह से टारगेट किलिंग थमने का नाम ही नहीं ले रही। वहीं पे दो दिन पहले संजय शर्मा इनका नाम है, इसको आतंकवादियों ने टारगेट किलिंग के दौरान इसको मौत के घाट उतार दिया। वहीं पे हमारी फिर से बताते चलो एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस हमारी सिक्योरिटी की बात करें तो उन्होंने आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया गया है। तो आपको बताते चले कश्मीरी पंडित संजय शर्मा को गोली मारकर हत्या के दो दिन बाद जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में अपराध में शामिल आतंकवादी का सफाया कर दिया गया है। पुलिस ने मंगलवार को कहा कि एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि सुरक्षा बलों के साथ रात भर हुए मुठभेड़ में मारे गए अल्ट्रा की पहचान शर्मा के हत्यारे के रूप में की गई है। मारे गए आतंकवादी की पहचान जो है वो पुलवामा के अकीब मुश्ताक भट्ट के रूप में हुई है। तो आपको बताते चले कि जो आतंकवादी मारा गया है, जो यूं कह ले कि संजय शर्मा का हत्यारा है, उसका जो नाम है उसकी पहचान है पुलवामा के अकीब मुश्ताक भट्ट के रूप में हुई है। उसने शुरुआत में एचएम आतंकवादी संगठन के लिए काम किया था, आपको उसके बारे में बताते चले। वहीं पे आजकल वह टीआरएफ के साथ काम कर रहा था। तो संजय शर्मा के हत्यारे बेसर कुमार ने ट्वीट किया, शर्मा एक बैंक में गार्ड था। वहीं पे आतंकवादी ने रविवार सुबह पुलवामा के अचन में अपने घर से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर गोली मार दी। वहीं पे बताते चले कि संजय शर्मा जो है मार्केट में निकलता है, वहीं पे इन बदतमीज आतंकवादियों ने संजय शर्मा को गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं पे एक बड़ी कामयाबी जो है हमारी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को मिलती है। कहीं ना कहीं ये जो आतंकवादी है जो इस तरह की घटना करते हैं, इस तरह की गोली मारकर हत्या करते हैं, कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस देती है। और कहीं ना कहीं हम जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को सिक्योरिटी को सैल्यूट करते हैं, इस तरह के दरिंदे जो आतंकवादी है उनको उनकी जगह पे ही पहुंचाया जाए। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज। कैमरामैन गगन के साथ सुनी डोगरा को दी जाग्या। नमस्कार।